दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वनडे क्रिकेट में सूर्या ने चौके छक्कों की सुनामी लाकर रचा इतिहास, शतक नहीं दोहरा शतक बनाकर पूरे क्रिकेट जगत को किया नतमस्तक। तो आखिर कैसे सूर्या ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 24 से भी अधिक छक्के ठोककर श्रीलंका की उड़ाई धज्जियां, उनकी दहशत भरी तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार रोहित कोहली में से धाकड़ बल्लेबाज कौन है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लंका के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में सूर्या ने शतक ठोककर अपने बल्ले की गरज से पूरा क्रिकेट जगत दहला दिया है। लेकिन खेल के बड़े फॉर्मेट यानी कि वनडे क्रिकेट में अपना विकराल रूप दिखाते हुए सूर्य कुमार यादव उनके लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए। जी हां, लंका के खिलाफ मिले इस मौके पर किसी को निराश नहीं किया और शतक नहीं दोहरा शतक जड़कर अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई है कि मेहमानों ने खुली आंखों से मातम का मंजर देख लिया है। जी हाँ दोस्तों, दो विकेट गिरने के बाद जब सूर्या बल्लेबाजी करने उतरे तब लंका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाला समय उसके जीवन के लिए सबसे खौफनाक लम्हों में बदलने वाला है। सूर्या तो सिर पर कफन बांधकर उतरे थे और आते ही उन्होंने सीधा छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। उन्होंने पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाकर अपना खाता खोला तो वहीं उनका पहला शिकार बने लंका के सबसे बड़े गेंदबाज वानिंदु हंसरंगा, जिनकी 5 गेंदों में से उन्होंने 3 को छक्के के लिए भेजा था और ये कोई साधारण छक्के नहीं थे। उनमें से 3 गेंदें स्टेडियम के बाहर गिरी थी। उन्होंने शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि आज इस खिलाड़ी के नाम की सुनामी आने वाली है और देखते ही देखते सूर्या ने अपने 360 अंदाज में पहले अर्धशतक और फिर महज 61 गेंदों पर तूफानी शतक लगाकर क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। पूरा स्टेडियम दंग था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उन्होंने मिडऑन से लेकर मिड विकेट और विकेट से पीछे ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखने वाले केवल मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो दोस्तों अपना शतक पूरा करते सूर्य कुमार यादव तो और भी भयानक बल्लेबाजी करने लगे। आज वो गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बनकर मैदान में उतरे थे। मधुशंका से लेकर रजीता और वानिंदु हंसरंगा, हर एक गेंदबाज उनके सामने गेंद लेकर आता था और 12 से 18 रन एक ओवर में खाकर चला जाता था। कुछ ऐसा ही मंजर हर ओवर में देखने को मिल रहा था। ये खिलाड़ी गेंदबाजों का करियर तबाह करने पर तुला हुआ था, जहां सबसे अधिक खतरनाक बल्लेबाजी तो उन्होंने की लंकाई कप्तान दाशुन शंका के खिलाफ, जिनकी 6 गेंदों पर सूर्या ने 5 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर 34 रन बटोरे और इसी के साथ सूर्या ने अपने ऐतिहासिक दोहरे शतक को अंजाम दिया, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। इस खिलाड़ी ने महज 128 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं और अब तक उन्होंने 18 छक्के जड़ दिए थे। दोस्तों आज उनका बल्ला रन नहीं बल्कि रिकॉर्ड बरसा रहा था। जहां एक वनडे मैच में 250 रनों का स्कोर पूरी टीम मिलकर बना पाती है, तो वहीं आज सूर्य कुमार यादव ने अकेले दम पर ही 251 रनों की पारी खेली थी। जी हां, ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये तो चमकते हुए सूर्या के बल्ले की गरज थी, जिसमें आगे लंकाई गेंदबाज थर थर कांपने को मजबूर हो गए थे। आज तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बाल बाल टूटने से बचा है। उनके सामने कोई भी गेंदबाज नहीं करना चाहता था गेंदबाजी और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने अंत तक नाबाद रहते हुए महज 141 गेंदें खेली थी। जी हां, इतनी कम गेंदें खेलकर कोई बल्लेबाज क्या कर सकता है। लेकिन सूर्य को देखकर ऐसा लगा कि वो इस दुनिया से ही है ही नहीं। उन्होंने 141 गेंदों पर नाबाद 251 रनों की पारी खेली, जिसमें 24 छक्के तो वही 14 चौके शामिल थे और पूरी की पूरी लंकाई टीम ने झुककर सलाम किया। केवल इतना ही नहीं, पवेलियन में लौटते वक्त भारत का हर एक खिलाड़ी उनके मान में आकर बाहर खड़ा हुआ था। दोस्तों आपको बता दें, श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में सूर्य कुमार ऐसे ही तबाही मचा सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले वनडे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव कितने रन बनाएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।